हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्रा सीएससी हेल्पलाइन में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो आप सभी को पता है, यूट्यूब पे अभी एक वीडियो चल रहा है कि आप ओटीपी से आपका ई मित्र है जो लॉगिन कर सकते हो। क्या ये बात सही है? आप कर सकते हो लॉगिन, 100% सही है आप ये बात कि आप ओटीपी से ई मित्र लॉगिन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, जो हम वीडियो बनाते हैं इस बात का हमें भी नॉलेज होता है कि आप ओटीपी से ई मित्र लॉगिन कर सकते हो, कस्टमर का बायोमेट्रिक लगवा के उसका आधार कार्ड निकलवा सकते हो, लेकिन हम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे। कुछ एक मेरे पास में ई मित्र भाई ऐसे जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल भी नए हैं, जो हर कोई यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद में सेम टू सेम वैसे का वैसा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे उन्होंने यूट्यूब पर अभी कोई वीडियो देख लिया कि आप ओटीपी से ई मित्र लॉगिन किस प्रकार से कर सकते हो। ओटीपी से ई मित्र लॉगिन हो गया, ओटीपी से ई मित्र लॉगिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन आप जो ई मित्र लॉगिन कर रहे हो उसके अंदर ये देखो कि आप गवर्नमेंट के सर्वर से कितनी छेड़खानी कर रहे हो। क्या ये वैलिड है? आपने कभी ये सोचा है ये बात कि आप क्या ये वैलिड है? आप सबसे पहले ये बात देखो कि यह क्या है वैलिड है। अगर यह वैलिड होता तो गवर्नमेंट ने खुद ने ई मित्र के ऊपर ओटीपी वाला ऑप्शन दे दिया होता। पीछे ओटीपी से ई मित्र लॉगिन होता था, लॉकडाउन में भी ओटीपी से ई मित्र लॉगिन होता था, लेकिन उसके बाद में ओटीपी से ई मित्र लॉगिन वाला ऑप्शन क्यों हटा दिया? गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी रीजन के कारण है तो ये ओटीपी वाला ऑप्शन है जो ई मित्र से हटा दिया। लेकिन अभी कुछ एक भाई ऐसे हैं जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, कुछ एक भाई ऐसे हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो बनाई है तो कृपया उस वीडियो को अनलिस्टेड कर दें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी नए भाई मेरे साथ में जुड़े हुए हैं या फिर जो भी पहले से जुड़े हुए हैं, तो मैं उन सबको बोलना चाहता हूं कि आप ओटीपी से ई मित्र लॉगिन ना करें। क्योंकि पीछे भी इधर सिकरकोटा के साइड के अंदर जिन्होंने ओटीपी से ई मित्र लॉगिन किया था और उनका सर्वर से आप सभी को पता है आईपी एड्रेस ट्रेस करके और जो आपका ई मित्र क्यों था उसका पता लगाया जा सकता है किन किन ने ई मित्र जो ओटीपी से लॉगिन किया था, ये आईपी एड्रेस से सब कुछ चेक हो जाता है। तो आप ये काम ना करें। उन्होंने ऐसा काम किया था तो उनका पेनल्टी भी लगाई गई थी और जेल भी उनको शायद हुई थी, क्योंकि उनका लेटर भी जारी हुआ था उनके पास, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई भी हुई थी क्योंकि उन्होंने ओटीपी से ई मित्र लॉगिन किया था। और कुछ एक भाई ऐसे हैं जो बायोमेट्रिक से जो आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, तो वो भी सावधान हो जाए, बायोमेट्रिक से आधार कार्ड न करें। क्योंकि बायोमेट्रिक से आधार कार्ड डाउनलोड करने वाला कोई ऑप्शन होता तो UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको वो ऑप्शन मिल जाता। वो UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर भी आपको सिर्फ दो ऑप्शन मिलते हैं, एक आप मोबाइल ओटीपी से कर सकते हो और दूसरा फेस आधार से कर सकते हो। फेस आधार वाला एक साइट है जो कभी चलती है और कभी नहीं चलती, लेकिन आप जो डाउनलोड कर सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ ओटीपी से कर सकते हो। ज़्यादातर ओटीपी से ही आधार कार्ड डाउनलोड होते हैं। बहुत से ऐसे पोर्टल मिल जाएंगे आपको जिनमें आप पैसे निकाल सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, तो उनसे भी बच के रहें आप एक बार। क्योंकि ये कंपनियां जो बहुत बड़े घोटाले कर देती है, बहुत बड़ा घोटाला हो जाता है इन कंपनियों में, बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार आप लाइट पानी के बिल है जो इन पोर्टल से, फर्जी पोर्टल से जो बिल पे कर देते हो, बिल पे करने के बाद में वो बिल कंपनियां है जो डिपार्टमेंट में जमा नहीं करवाती और उसका हर्जाना है जो आपको भुगतना पड़ता है, उनका नतीजा है जो आपको भुगतना पड़ता है। कस्टमर आपके पास में आते हैं, आपको बोलते हैं कि आपका बिल पे नहीं हुआ है, जो उन्होंने बिल भरवाया था वो बिल भरा नहीं गया, तो ये आप पे जिम्मेवारी आ जाती है। हाँ, ई मित्र पे कमीशन मिलता है भाई साहब, एक बिल पे 5 से 10 रुपए तक कमीशन मिलता है, तो आप ई मित्र से काम कीजिए, क्यों अदर पोर्टल से काम कर रहे हो? वो ई मित्र आप जो लॉगिन कर रहे हो, तो भाई साहब अगर आपने ओटीपी से ई मित्र लॉगिन किया है या फिर ओटीपी से ई मित्र लॉगिन करते हो, तो भाई साहब अभी से बोल रहा हूँ सावधान हो जाओ, ओटीपी से ई मित्र लॉगिन ना करो, आपकी बायोमेट्रिक से ही है जो ई मित्र लॉगिन करो। ये बात मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने पहले वीडियो बनाई थी ओटीपी से ई मित्र लॉगिन करना, ये बिल्कुल भी इलीगल है, ये बिल्कुल भी लीगल है, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है। तो ये बात मैं सभी को बोल रहा हूँ, ओटीपी से ई मित्र ना तो लॉगिन करें, ना किसी को लॉगिन करने की सलाह है दें। आप भी सावधान हो जाएं और औरों को भी सावधान करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।